अब मैं आखिर में मैं दरख्वास्त करूंगा आगा तनवीर साहब से कि इस पहले हम प्रोग्राम ये था कि आला साहब कंडक्ट करेंगे, लेकिन अब चेंज किया क्योंकि लियारी के मामला को मशवरे करने के बाद आगा तनवीर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है और इसका खानदान लियारी में मुकीम है। मैं दरख्वास्त करूँ आगा तनवीर से अपने खालात से मैं नवाज आगा तनवीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस हाल में मौजूद सब तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का नहायती मशहूर हूँ कि दियार ख्याल में रहते हुए भी यहाँ पे बसने वाला पाकिस्तानी अपने मुल्क अपनी जगह और अपने वतन से मोहब्बत रखता है। आज जैसा कि हबीब जान ने लियारी की सूरत हाल बताई तो उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह सूरत हाल अब हमारे लिए तमाम तर पाकिस्तान की हो गई है। आज इस हाल में मौजूद कायदे आज़म की तस्वीर हमसे ये पूछती है कि क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसका ख्वाब मैंने तुम्हें दिखाया था, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए हमने लाखों जानों के नजराने दिए थे, क्या यही वो वही पाकिस्तान है जिसके तुम्हारी माएं बहनें बेआबरू होकर एक दूसरे मुल्क से निकली थी। नहीं, आज मैं ये कहने पर मजबूर हूं ये वो पाकिस्तान नहीं है। क्या ये शहराएं इस वास्ते बनी थी कि देश की जनता सिसर से कर के मरे, इस जमीन ने जिसका नाच उड़ा था नस्ल आदम और मुल्क के अवाम इस तरह माते, लेकिन नहीं मिले। क्या इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख तराने वतन ताक ताक तरसे, चमन के माली ने खून सींचा था कि इसकी अपनी निगाहें बहा को तरसे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं जिसका ख्वाब हमने देखा था। मैं आज इतना कहूंगा कि अजीज रस्म है चारा गुरों की महफिल में, लगाकर जख्म भी नमक भी मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ऐसी क्या वजूहत है कि आज हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ आजाद हुआ, हमारे साथ उसने काम शुरू किया, लेकिन वहां का पार्लिमान और वो आज इस डगर पे है कि वहां के जमहूरी वहां का जमहूरी इकदार आज इतना मजबूत है कि हुकूमत चाहे कितनी भी वहां पे नाकाम साबित हो, कोई चाहे कितना भी वहां पे वफादार टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फौज बैठकों में से निकले और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे जहां वहां की हुकूमत कब्जा कर ले, क्योंकि वहां की अवाम और वहां के लोग अपने मुल्क से मुहब्बत करते हैं, मशहूर हैं। यही जज्बा हमें आज अपने पाकिस्तान के लिए चाहिए। मैं आज आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी हुकूमत के जो एहलकार वहां पे मौजूद है, खुदारा खुदारा उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाइए जिसने खुद सोजी की खुदा के लिए, आज उस औरत के आंसू पूछ के जिसकी बेटी को वडेरे उठा कर ले गए और उसके साथ चार दिन तक ज्यादती करते रहे, खुदारा आज उनके उन यतीम बच्चों पर शफकत से हाथ रखिए जिनके बाप बेगुनाह पुलिस टारगेट किलिंग में मारे गए। सिर्फ मेरी हुकूमत से ये इल्तिमास है कि आज हमें अपने लोगों का ख्याल रखना है और हमें तमाम उन लोगों से बचना है जो हुकूमत को गलत रोश में डाल रहे हैं, उन्हें गलत तस्वीर का रुख पेश कर रहे हैं, और हमें खुशामदी दरबारियों से बचना है। आज हमें यह नहीं देखना कि हमारे साथ क्या होगा, सिर्फ हमें यह देखना है कि हमें पाकिस्तान को कैसे बचाना है। आज इस हाल में आने वाले तमाम फ्रेंड्स और लियारी का मैं बेहद मशहूर हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं।